नमस्कार, स्वागत है आपका UK24 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। जानते हैं फटाफट से देश और प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ है खास। 21 साल की नवविवाहिता की हत्या का खुलासा, पति ने ही उतारा था मौत के घाट, 3 महीने पहले हुई थी विदा। चंपावत में 21 साल की नवविवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ है। बता दें कि इस मामले में उसका पति ही हत्यारा निकले। पति और सास ने मामले को दबाने और इसे खुदकुशी दिखाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह पुलिस की नजर से बच नहीं पाए। जिस बेटी को पिता ने 3 महीने पहले हंसी खुशी विदा किया था, उन्हें क्या मालूम था कि उसकी अर्थी घर से उठेगी वहां भी सिर्फ 3 महीने में। झरने में गिरा भाई, बचाने कूद पड़ी बहन, दोनों के डूबने से मौत। पौड़ी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यह हादसा गुरुवार को हुआ था। जानकारी के अनुसार कोट ब्लॉक के रखुण गांव के पास गेंटी छेड़ा झरने की झील में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई। दोनों ही बच्चे सिरौली गांव के रहने वाले हैं और अपनी नानी के पास आए हुए थे। सिरौली गांव के मूल निवासी प्रमोद रावत की बेटी दिव्या रावत 16 वर्षीय और अमन रावत 14 वर्षीय अपनी नानी के घर रखुण गए थे। गुरुवार शाम को गेंटी छेड़ा झरने की झील में नहाने के लिए चले गए और उसी दौरान ये दुखद हादसा हुआ। पौड़ी गढ़वाल में महिला को मौत के घाट उतारने वाली मादा गुलदार गोली का शिकार। बीते दिन चवट्टा खाल के ब्लॉक पोखड़ा के डबरा में खेतों में काम करते वक्त घात लगाकर गोदाम्बरी देवी की जान लेने वाले गुलदार को देर रात करीब 8 बजे शूटरों ने ढेर कर दिया है। रुड़की में कांग्रेस का बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। रुड़की समेत प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र समेत राज्य सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ड्यूटी से नदारद मिले 5 कांस्टेबल SSP ने किया सस्पेंड। उधम सिंह नगर SSP ने जोनल चेकिंग के दौरान 5 कांस्टेबल्स को ड्यूटी से नदारद पाया। ड्यूटी में लापरवाही को लेकर SSP ने 5 कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता करने में कांस्टेबल खीमराम, बिजेंद्र सिंह, बिमल कुमार थाना रुद्रपुर और सुनील कुमार व नरीनाथ सिटकुल थाना पन्नगर को निलंबित किया। हल्द्वानी में कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल पंप पर किया प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर आज हल्द्वानी में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए की कीमत को भी पार कर गए हैं। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत से आम जनता को राहत मिल सके, लेकिन बिना विरोध किए केंद्र और राज्य सरकार कोई भी काम नहीं करती। लिहाजा कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो रवैया केंद्र और सरकार राज्य के खिलाफ तैयार किया है, यह आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम जनता का जीना दुर्भर कर रही हैं। सीएम की सीट पर सस्पेंस, यहां से लड़ सकते हैं चुनाव। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर ब्रेक लग सकता है। हालांकि अब तक यह फाइनल नहीं है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गंगोत्री सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। यह सीट भाजपा विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद से खाली चल रही है। ATM से पैसा निकालना हुआ महंगा, कटेंगे इतने रुपए। 1 महीने में 5 बार से अधिक ट्रांजेक्शन अब और महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को हर ट्रांजेक्शन पर अब 20 रुपए के बजाय 21 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी आप अगर ATM से हर महीने फ्री कैश या नॉन कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको ये शुल्क चुकाने होंगे। हालांकि RBI ने कहा है कि ग्राहक अपनी बैंक के ATM से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन करते रहेंगे। ग्राहकों के लिए मेट्रो शहरों में अन्य बैंक के ATM से 3 और गैर मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त लेन देन की सुविधा रहेगी। पौड़ी में मोबाइल की लाइट के सहारे किया जा रहा है वैक्सीनेशन। प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह दावे धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो को PPP मोड पर दिया गया था, मगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन मोबाइल लाइट के सहारे किया जा रहा है। BJP में जल्द हो सकता है दायित्वों का बंटवारा, प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत। जी हां, उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द ही दायित्वों की सौगात मिल सकती है, इसके संकेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिए हैं। परिवहन विभाग की नई SOP से मिलेंगी ये सुविधाएं, यात्रियों का सफर होगा आसान। परिवहन विभाग ने नई संशोधित SOP जारी कर की है।
इसके तहत अब प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों का संचालन 100% यात्री क्षमता के साथ किया जा सकेगा। पति ने चाकू से पत्नी और मासूम पर किया जानलेवा हमला, दोनों गंभीर घायल। खबर देहरादून से है। वसंत विहार थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग एनक्लेव में पति ने पत्नी और बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हल्द्वानी में नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी, मामला दर्ज। थोड़े से लालच में लोग अपनी जमा पूंजी गवा देते हैं। ऐसा ही हल्द्वानी के लामाचौड़ बच्ची नगर के रहने वाले तारा सिंह बिष्ट के साथ हुआ है। तारा सिंह बिष्ट ने मुखानी थाने में तहरीर दी है कि मुंबई के रहने वाले आबिद अंसारी और उसके साथी यूसुफ अंसारी ने उनकी पुत्री को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की तहरीर पर थाना प्रभारी सुशील कुमार ने आरोपी के खाते को सीज करने की कार्यवाही की है और पूरे मामले की जांच में जुट गए। एक तरफ जागरूकता अभियान, दूसरी तरफ जमकर उड़ाई गाइडलाइन की धज्जी। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां किच्छा में कोविड वैक्सीनेशन सेमिनार कार्यक्रम में एक तरफा जागरूकता अभियान चलाने, बचाव व सुरक्षा के लिए लंबे चौड़े भाषण चले, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम के दौरान ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नैनीताल जनपद में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी, 1.8% टीके बर्बाद। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक नैनीताल जनपद में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। जनपद में 18 प्लस के युवाओं का मात्र 8% टीकाकरण और 45 प्लस के लोगों का 62% वैक्सीनेशन हुआ है। पति पत्नी ने गटका जहर, दोनों की मौत, ये है दर्दनाक कहानी। खबर भगवानपुर से है, जहां मंडावर गांव में एक वृद्ध पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का मामला सामने आया है। मरने वालों के नाम समय सिंह और उसकी पत्नी सिया सैनी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर दोनों ने विषाक्त पदार्थ खाया था। जानकारी होने पर परिवार के अन्य व्यक्तियों ने दोनों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। उत्तराखंड में कोरोना से 13 पुलिसकर्मियों की गई जान, डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की चपेट में आने से पुलिस के 13 जवानों की मौत हो चुकी है। पहली लहर में 8 और दूसरी लहर में 5 जवानों ने जान गंवाई है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार के साथ अन्य आला अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। घोषणा के 9 दिन बाद बोर्ड की 12वीं की परीक्षा निरस्त होने का शासनादेश जारी। सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त किए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। आज शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड को वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने को निर्देशित किया गया है। 2 IAS और 10 PCS अफसरों का ट्रांसफर, चंद्रेश बनी प्रभारी सचिव आयुष शिक्षा। शासन ने उत्तराखंड में 2 IAS और 10 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। IAS हरबंस सिंह चुग से सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा का कार्यभार हटाया गया है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध की चिंगारी फिर भड़की, गंगोत्री धाम में पुरोहितों ने बांधी काली पट्टी। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में शुक्रवार को गंगोत्री में पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे 21 जून से क्रमिक अनशन करेंगे। एसटीएच में ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर भ्रष्टाचार, अजय भट्ट ने डीएम को लिखा पत्र। सुशीला तिवारी अस्पताल में गोलमाल कर लिक्विड ऑक्सीजन का पुराना प्लांट लगाने का मामला सामने आया है। मामले में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने डीएम को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देश प्रदेश की खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें।